नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को जो यूपी एनएसएम से एग्जाम से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं, फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से मैं सारे फुल फॉर्म को आपको कवर करने का प्रयास करूंगा। तो यहां से आपको 50+ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जो आपके एग्जाम में कम से कम 7 से 8 10 क्वेश्चन आपको फुल फॉर्म से रिलेटेड मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वो आप यूपी एनएसएम का कोई भी एग्जाम दे रहे हों, चाहे एसटीएस का एग्जाम दे रहे हों, लैब टेक्नीशियन का दे रहे हों, एलटीई का टेक्नीशियन का दे रहा हूँ, चाहे जौन से एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि फ्रेंड्स ये फुल फॉर्म्स जो रिलेटेड क्वेश्चन है आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपके फ्रेंड्स 10 नंबर के करीब पक्के हो जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। फ्रेंड्स, आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे एग्जाम से पहले मैं जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए यहाँ से फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन जो है उसको कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ए बी जी का जो फुल फॉर्म होता है, फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि आरटीएल ब्लड गैस ए पी जी का ए बी जी का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ से आपका एक फुल फॉर्म यहाँ से हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा इस ए सी एस का फुल फॉर्म। तो जो फ्रेंड्स ए सी एस का फुल फॉर्म होता है वह अमेरिकन केमिकल सोसाइटी होता है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन ही हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स ए डी एच डी का फुल फॉर्म यहाँ से आप लोगों को पूछा गया है। तो यहाँ से जो ए डी एच डी का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, वह अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका ये भी सही हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको ए एल एस का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका जो ए एल एस का फुल फॉर्म हो जाएगा वह एमियोट्रोफिक लेटरल स्केलरीज हो जाएगा। यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ये हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपका जो एड्स का फुल फॉर्म पूछा गया है, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट का टिक लगा लेना है। फ्रेंड्स इसका जो फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, हर एग्जाम के लिए ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स ए आर डी एस का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्यूरेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रीज सिंड्रोम, यहाँ से आपका जो फ्रेंड्स हो जाएगा ए आर डी एस का फुल फॉर्म यहाँ से हो जाएगा। बी एम एस जो फ्रेंड्स बी एम एस डॉक्टर का कोर्स होता है फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। जो आयुर्वेदिक दवाओं के जो सर्जन होते हैं फ्रेंड्स, वो बी एम एस का कोर्स करके आते हैं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स बी एम एस का फुल फॉर्म ये हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स बी सी जी का फुल फॉर्म आप लोगों को यहां पर दिख रहा होगा, कि जो बी सी जी का टीका लगाया जाता है फ्रेंड्स, उसका फुल फॉर्म यहां पर आप लोगों से पूछा गया है। तो आपका जो बी सी जी का फुल फॉर्म हो जाएगा बेसिकुलस कैलमेट यूरिन, यहां से आपका बी सी जी का फुल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहां से आपको बी डी एस का फुल फॉर्म दिखाई दे रहा है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। जो डेंटल वाले दांत वाले डॉक्टर होते हैं फ्रेंड्स, या बी डी एस का कोर्स किए रहते हैं, तो यहाँ से आपका जो बी डी एस का फुल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिख रहा होगा बी एम डी, यहाँ पर आपका बी एम डी का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो यहाँ से जो फ्रेंड बी एम डी का फुल फॉर्म हो जाएगा बोन मैनेरिकल डिसेंट्री, यहाँ से आपका वो बी एम डी का फुल फॉर्म हो जाएगा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको भी आपको नोट डाउन करके चलना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से बी एम आई का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो जो फ्रेंड्स बी एम आई का फुल फॉर्म होता है वह फ्रेंड्स बॉडी मास इंडेक्स होता है। तो यहाँ से आपको इसको भी नोट डाउन कर लेना है फ्रेंड्स। उसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया है बी एम आर का क्वेश्चन क्या होता है, बी एम आर का फुल फॉर्म। तो यहाँ से जो बी एम आर का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, आपका बसल मेटाबॉलिक रेट, यहाँ से आपका बी एम आर का फुल फॉर्म हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपसे बी एम टी का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो जो बी एम टी का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा बी एम टी का फुल फॉर्म बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, जिसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी कहा जाता है। तो यहाँ से आपका बी एम टी का फुल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपसे पूछा गया है सी ए बी जी का फुल फॉर्म। तो यहाँ से जो आपका सी ए बी जी का फुल फॉर्म हो जाएगा वो कोरोनरी आर्टियरी बाईपास ग्राफ्ट, यहाँ से आपका जो बी ए सी ए बी का फुल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स सी बी सी का फुल फॉर्म हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कंप्लीट ब्लड काउंट जो होता है फ्रेंड्स, या सी बी सी का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ये भी हो जाएगा। सी एच एफ का फुल फॉर्म आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है, तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो होता है फ्रेंड्स, या सी एच एफ का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ से ये भी एक क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद जो फ्रेंड्स सी एम ओ होता है फ्रेंड्स, उसका फुल फॉर्म यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा चीफ मेडिकल ऑफिसर, जिसे कहते हैं फ्रेंड्स सी एम ओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपसे बन जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको सी ओ पी डी का फुल फॉर्म दिख रहा होगा, क्लोरोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, यहाँ से आपका
कॉपीडी का फुल फॉर्म यहाँ से हो जाएगा, तो ये भी आपको इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना है। उसके बाद CPR का फुल फॉर्म यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा, कार्डियो पल्मोनरी रेसुस्टिसेशन, यहाँ से आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से DNA का फुल फॉर्म दिख रहा होगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है फ्रेंड्स। DNA जिसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिकम एसिड भी कहा जाता है, तो यहाँ से आपका ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से EBV का फुल फॉर्म आप लोगों को दिख रहा होगा, एफटेन बार वायरस जो होता है फ्रेंड्स, या ABV का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद फ्रेंड्स ECG का जो टीका लगाया जाता है फ्रेंड्स, उसका भी फुल फॉर्म यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है। इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसका यहाँ से फुल फॉर्म हो जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ से इसको भी आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आप सभी लोगों को ECT का फुल फॉर्म दिया गया है, जिसका फ्रेंड्स इलेक्ट्रोकन्वल्टिव थेरेपी होता है, यहाँ से इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स ENT का फुल फॉर्म आप लोगों को दिख रहा होगा, जिसे ईयर नोट थ्रोट कहा जाता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फिर फ्रेंड्स FHR का फुल फॉर्म, यहाँ से फेटल हार्ट रेट, यहाँ से आप लोगों का एक क्वेश्चन ये भी हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आप लोगों को GFR का फुल फॉर्म दिया गया है, तो इसका भी यहाँ से जो होता है फ्रेंड्स ग्लोमेरुलरल फिल्ट्रेशन रेट, यहाँ से आपका ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप सभी लोगों को दिख रहा होगा GTT का फुल फॉर्म, यहाँ पर आप लोगों के सामने दिया हुआ है। तो फिर फ्रेंड्स GTT का जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, वह ग्लूकोज टोलरेट टेस्ट होता है, यहाँ से आपका यह टेस्ट किया जाता है ग्लूकोज को पता लगाने के लिए, तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर आपको GMO का फुल फॉर्म दिया गया है, तो GMO का फुल फॉर्म फ्रेंड्स जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो होता है फ्रेंड्स, या आपसे GMO का फुल फॉर्म यहाँ से होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स HIV का फुल फॉर्म आप लोगों को दिख रहा होगा, जो कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम से रिलेटेड बन जाता है, तो ये भी आपको याद करके चलना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आप सभी लोगों के लिए IVF का फुल फॉर्म दिया गया है, जिसका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से ICU का फुल फॉर्म आप लोगों को दिया गया है, इंटेंसिव केयर यूनिट, जो कि ICU का फुल फॉर्म होता है, इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स MC का फुल फॉर्म यहाँ से दिया हुआ है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है फ्रेंड्स, MC का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद फ्रेंड्स MMR का फुल फॉर्म यहाँ से आप लोगों को दिया गया है, तो मीजरलेस मम्स एंड रूबेला जो होता है MMR का फुल फॉर्म होता है, तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम से रिलेटेड कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, हर एग्जाम में ये आपको सहायता दे सकते हैं, तो ये सभी क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। उसके बाद यहाँ से फ्रेंड जो MBBS की डिग्री होती है, उसका फुल फॉर्म आप लोगों को दिया है, तो इसका फुल फॉर्म जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी बन जाता है, तो यहाँ से आपका बैचलर ऑफ मेडिसिन बैचलर ऑफ सर्जरी होता है फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म यहाँ से इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से जो MD होते हैं उसका फ्रेंड फुल फॉर्म दिया हुआ है, तो यहाँ से डॉक्टर ऑफ मेडिसिन जो होते हैं उन्हें फ्रेंड्स MD कहा जाता है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स MRI का फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया है, जो कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो होता है फ्रेंड्स, यहाँ से आपका MRI का फुल फॉर्म हो जाता है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स OCD का फुल फॉर्म यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है, जो कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। OPD का फुल फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड्स, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जो होता है फ्रेंड्स, उसे OPD कहा जाता है, यहाँ से आपका OPD का क्वेश्चन यहाँ से हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स OSA का फुल फॉर्म यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा, जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपेना कहा जाता है फ्रेंड्स, अपनी यहाँ से कहा जाता है, तो फ्रेंड्स थोड़ा अगर प्रॉब्लम हो जाए ट्रांसलेशन में तो कृपया माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए जल्द से जल्द मैं वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स जो PID का फुल फॉर्म यहाँ से होता है फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, यहाँ से आपका जो PID का फुल फॉर्म हो जाता है, तो यहाँ से फ्रेंड्स आप सभी लोगों को देख रहे होंगे, तो अब तक 40 से प्लस क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को करवा चुका हूं, जो और कुछ बचे क्वेश्चन है इस वीडियो के माध्यम से मैं करवा देता हूं। तो फ्रेंड्स PID का फुल फॉर्म जो क्या होता है, तो यहां से आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज जो होता है वो PID का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद फ्रेंड्स PKD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पॉलीस्टिक किडनी डिजीज जो होता है फ्रेंड्स PKD का फुल फॉर्म होता है। PMS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो
प्रेमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो होता है फ्रेंड्स, पीएमएफ का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद पीटीएसडी का फुल फॉर्म यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है, पोस्ट ट्रेमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यहाँ से होता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आरबीसी जो होता है फ्रेंड्स, रेड ब्लड सेल्स, इसका भी यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ पर दिया गया है। आरएनए का फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए बन जाता है, तो ये सबको आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद आरएचडी का फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया है, रूहेमेटिक हार्ट डिजीज यहाँ से होता है। उसके बाद रिप का फुल फॉर्म जो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है आपसे, तो रेस्ट इन पीस जिसे कहा जाता है, जिसे राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल भी कहा जाता है, तो यहाँ से आपका रिप का फुल फॉर्म यहाँ से हो जाएगा। जैसे किसी की फ्रेंड्स मृत्यु हो जाती है तो इंग्लिश में रिप लिखा जाता है, तो यहाँ से इसका भी फुल फॉर्म ये बन जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से एसटीडी का फुल फॉर्म आप सभी लोगों को दिया गया है, तो एसटीडी का जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, यहाँ से एसटीडी का फुल फॉर्म आप सभी लोगों का हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स टीएलसी का फुल फॉर्म यहाँ पर टोटल लंग्स कैपेसिटी जो होता है वो हो जाएगा। उसके बाद टीटी का फुल फॉर्म फ्रेंड्स टेट्रानस टेक्सोइड हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यूटीआई का जो फुल फॉर्म होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से जो डब्ल्यूबीसी है फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से डब्ल्यूबीसी का फ्रेंड्स, आपका वाइट ब्लड सेल्स हो जाएगा। तो यहाँ से जो 50 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले थे फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से आप सभी लोगों को करवा दिया है। तो आशा है इस वीडियो को देखने के बाद फ्रेंड्स कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा और एक एक क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियो और हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने 2-3 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें भी जो कन्फ्यूजन और डाउट हो वो क्लियर हो जाए। तो थैंक यू फ्रेंड्स आप सभी लोगों का।